कॉल किया था मैंने, और पता है फोन किसने उठाया? माहिर ने। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुमने माहिर को मार दिया। क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कोई झूठ नहीं कहा। क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? क्योंकि तुम सच को मानना ही नहीं चाहते। असल में भी तुम उस माहिर को मारना ही नहीं चाहते, तभी ये सब प्रेगनेंसी, सब तुम मां बनने वाली हो। पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई मां नहीं बनने वाली हूँ मैं। तो यही बात चिल्ला कर उस माहिर के सामने क्यों नहीं कहती? दुश्मन है वो हमारा। तुम अपना बदला क्यों पूरा नहीं कर रही हो? क्यों उसे मार नहीं पा रही हो? मार ही दिया था मैंने उसे विष। एटलीस्ट मुझे ये लगा था कि मुझे छूने के बाद वो मर गया, लेकिन अमर हो गया। इतने प्यार से छुआ था ना तुमने उसे, इसलिए। देखो विष। देखो देखो नहीं, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, जवाब दोगी। उस रेहान को मारने के बाद तुमने क्या किया? उन लड़कों को मारने वाली थी ना तुम, अपना बदला पूरा करने वाली थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मिसेस मित्तल की चिता की चिंता है, पर अपने बदले की नहीं। हो क्या गया तुम्हें? तुम कर क्या रही हो? अरे नागमणी को ढूंढ रही थी मैं। तुम लोगों की चिंता ले रही थी, अपने नाग लोग की चिंता ले रही थी। और तुम्हें बता दूं, नागमणि सही सलामत मैंने नागुरु को सौंप दी है। तो ये सब तुम आज कर रही थी, अब तक क्या कर रही थी? उस माहिर के साथ 24 घंटे रहती हो, घूमने जाती हो, झील किनारे, जंगल, हर जगह। अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा है उसे? बार बार बीच में माहिर को क्यों ला रही? क्योंकि तुम उसे बीच से हटा ही नहीं रही हो बेला। बदल रही हो तुम, बहक रही हो तुम। तुम्हारा पति क्या बन गया? तुम उसकी पतिव्रता पत्नी बन गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। पर अफसोस, विक्रांत के बारे में नहीं, इस लड़के माहिर के बारे में। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम अपने प्यार का बदला नहीं ले रही ना, तो मत लो, पीछे हट जाओ। अपने दोस्त की मौत का बदला मैं खुद लूंगी। बस! एक शब्द नहीं। आज तो तुमने मुझे नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठा लिया, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी विशाखा। विक्रांत सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, मेरा प्यार था, प्यार था बेला वो तुम्हारा। और यही कहने में तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तभी तो मुझे लग रहा है कि तुम अपना बदला भूल गई। कुछ नहीं भूली हूं, सब याद है मुझे। अब मैंने नागमणि को ढूंढ लिया, अब मैं अपने नाग के काफिलों को मार सकती हूँ। तो फिर साबित करके दिखाओ। साबित? अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया, तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए, तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा। जल्दी करो बेला, सिर्फ 17 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इतने वक्त में तुमने माहिर को खत्म नहीं किया, तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। क्या कर रही है? कमजोर मत पड़, सही कह रही है, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। तुझे उस माहिर को बिना। Are you okay? I'm sorry, I'm sorry, मेरा काम कहीं। Are you okay? आप ठीक हैं? You're all right. I'm okay. नीचे जा रही हो? जी। वो क्या है ना बेला, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी। तुम्हें याद है ना आज कुहू की ननद की एंगेजमेंट है शाम में? आरजे और कुहू तो जा ही रहे, लेकिन
एंडी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर घर से कोई भी और नहीं जाएगा तो बुरा लगेगा ना। तुम और माहिर चले जाओगे प्लीज? अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना मुझसे नहीं बचेगा। नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं फील कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे घर से किसी का जाना तो जरूरी है ना बेटा, वो घर का मामला है ना तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं बस बेला से कह रही थी। हाँ माँ, व्हाई नॉट, हम चले जाएंगे, इसीलिए इस घर में तुम मेरी फेवरेट हो। अच्छा सुनो माए, आज शाम को कुहू की ननद की एंगेजमेंट है ना, तो तुम और बेला भी चले जाना, एंडी और मैं नहीं जा पाएंगे। लेकिन माँ बेला ऐसे, आई एम ओके, मैं चल सकती हूँ। ठीक है मैं, माँ अभी जिम जा रहा हूँ, जिम से डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगा, वहां से मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, देन शाम को एलपी क्यों। बाय बेटा, बाय। आपका सूट वहां रखा है इन करके। सॉरी, तुम्हें बेकार ये सब कुछ करना पड़ रहा है, मेरी वाइफ की तरह ये सब कुछ और पार्टी में जाना है। That's okay, माँ ने पूछा तो। It's okay. जो कि मुझे कह देती मैं खुद कर लेता। बेड पे ही रखा है। मत करो ये सब, मत आदत डालो मुझे। मतलब आई फील कल तक यू भी आ जाएगा और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। ये आखिरी रात है हमारी एज ए कपल। मांग भर रही हूँ क्योंकि ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है। आई गेट। ड्रॉअर में रखिए चाबी। यही कह रहा था, मत करो ये सब, आदत हो जाएगी तुम्हारी, और अगर तुम्हारी आदत होगी तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीना